राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कैबेज फार्मिंग के बारे में, बंद गोभी की खेती के बारे में। ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में देंगे कि इसका बुआई का उन्नत समय कब है, बरसात में कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए व कब बोनी चाहिए, ठंडी के लिए कौन सी वैरायटी व कब बोनी चाहिए, जुताई के बारे में बात करेंगे, तापमान के बारे में बात करेंगे, बीज दर के बारे में, तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे कि आप बंद गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं। आगे वीडियो में पढ़ने से पहले, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों उन्नत समय के बारे में। उन्नत समय बरसात के लिए बुआई करनी है, ये तो आप मई जून जुलाई में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और गर्मी के लिए नवंबर दिसंबर व जनवरी में इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, बात करते हैं कि जुताई की, जब आपको अंतिम जुताई करनी हो तो आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, जैसे वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या केंचुए द्वारा जो तैयार की गई खाद होती है, उसको आप अंतिम जुताई से पहले अपनी मृदा में मिला लें, और उसके बाद रोटावेटर या हैरो से इसकी जुताई करें ताकि ज़मीन समतल हो जाए और आपको पौधरोपण में कोई समस्या ना हो। अच्छे से इसकी जुताई करें ताकि अच्छी पैदावार आप ले सकें। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या काली मिट्टी का प्रयोग बहुत ही उत्तम होता है। किसान भाइयों, बात करते हैं टेम्परेचर की कि इसका अनुकूल तापमान क्या होता है। किसान भाइयों, इसका तापमान जो है वो 12 से 25 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इस फसल के लिए बहुत ही उत्तम टेम्परेचर माना जाता है बंदा गोभी के लिए, जिससे आपकी फसल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। उसके बाद में बात करते हैं किसान भाइयों, जो इसकी कुछ उन्नतशील किस्में हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि आप इनको लगाकर अच्छी उपज ले सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें अत्यधिक पाई जाती है और इनकी उपज भी अच्छी होती है, जैसे मैको कंपनी की माही क्रांति के नाम से आती है, गोल्डन सीड की आप ले सकते हैं। उसके बाद में सेमनीज कंपनी की इंदू ले सकते हैं, और नामधारी की NS 183, नामधारी की NS 183 जो वैरायटी है बंदा गोभी की, बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाली होती है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद में आप सजेंटा कंपनी की VC 90 के नाम से जो बंद गोभी आती है उसे भी आप लगा सकते हैं। ये जो हमने चार पांच वैरायटियां आपको बताई हैं, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ, ये कंपनियों की जो वैरायटियां हैं बहुत ही अच्छी उत्पादन क्षमता होती है इनकी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके बाद में किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि प्रति एकड़ बीज दर कितना लगता है। लगभग 80 से 100 ग्राम, लगभग 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ बीज आप बो सकते हैं, जिससे कि आपका एक एकड़ खेत 80 से 100 ग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। उसके बाद में आप देखते हैं कि लगभग एक एकड़ खेत में 30 से 40 हज़ार पौधों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी वैरायटी का चयन करके बीज की बुआई कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कि गोभी में फंगस का बहुत अटैक होता है, तो इसका आप सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार ज़रूर करें, जैसे कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब या सिंगल मैनकोजेब का आप ट्रीटमेंट बीज के साथ ज़रूर करें। बात करते हैं कि इसकी नर्सरी
कितने दिनों में तैयार होती है? किसान भाइयों, बुआई से 25 से 30 दिनों के अंदर इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और आप 25 से 30 दिनों के अंदर इसकी रोपाई बड़े आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब।